नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष गुरु पंडित भरत सिरमाली। स्वागत करता हूं आपका YouTube चैनल लाइफ ओके पर। आज अपन बात करेंगे कि राशि के अनुसार नवरात्रि के अंदर क्या उपाय किया जाए ताकि अपने को बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिले, माँ अपने को अच्छा फल दे, अपने घर में सुख शांति बने रहे, माँ लक्ष्मी की कृपा अपने ऊपर पूर्ण रूप से बनी रहे। तो आज अपन बात करेंगे कि राशि के अनुसार क्या करना चाहिए, कौन सी देवी की साधना करनी चाहिए, कौन से देवी का मंत्र जाप करना चाहिए, क्या पाठ करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आज अपन बात करेंगे। तो चलिए मैं आपको फिर एक बार बता देता हूँ कि जैसे ये वीडियो शुरू होता है उसके ऊपर मेरा मोबाइल नंबर आ जाता है, आप मेरे से व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप पर करें यदि ये मेरे को लगेगा तो, मैं जो है आपको बता दूंगा कि इस समय आप कॉल कीजिए। बच्चों की जन्म कुंडली है, अपनी जन्म कुंडली आप मुझे बता सकते हैं। और जैसे यदि आपको ये चैनल अच्छा लगे, इसके ऊपर जो मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ वो अच्छे लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि और भी कई लोगों को है इसका रिजल्ट मिल सके। तो आज अपन बात करते हैं राशि के अनुसार, जो मैं लिख करके लाया हूँ उसको आप ध्यानपूर्वक सुनिए क्या कह रहे हैं गुरुदेव, किस प्रकार से अपने को करना चाहिए, किस प्रकार से नवरात्रि करनी चाहिए, क्योंकि मैं रात को 2-3 घंटे शास्त्रों के ऊपर देता हूँ, फिर उसके बाद आपको ये सब लिख करके आपको डेली की डेली मैं जानकारी दे रहा हूँ। शास्त्र पढ़ करके कई लोग बोलेंगे कि गुरुदेव आप देख करके बोल रहे हो, तो मैं ये चाहता हूँ कि त्रुटि ना हो और आपको मैं पूर्ण जानकारी दे सकता हूँ, रटा रटा या नहीं, जो मेन मेन पॉइंट है वो मैं लिख करके आपको बताता हूँ। तो आज अपन बात करते हैं राशि के अनुसार, तो चलिए जो मैं लिख करके लाया हूँ आज आपको पूर्ण रूप से बता देता हूँ। सबसे पहले अपन चलते हैं मेष राशि पर। इस राशि के लोगों को अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए माता स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। 9 देवियों में से जो स्कंद माता है, मेष राशि वालों को स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। और इस दिन मेष राशि के लोगों को माँ की कृपा पाने के लिए दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। तो मेष राशि वाले हैं वो आप माँ स्कंद माता की पूजा करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें और दुर्गा सप्तशती का भी आप पाठ करें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रहे ताकि माँ की आपको असीम कृपा प्राप्त होगी। फिर वृषभ राशि के लिए, वृषभ राशि के लोगों को नवरात्रि में विशेष रूप से माता महागौरी की उपासना करनी चाहिए। किसकी उपासना करनी चाहिए? महागौरी की उपासना करनी चाहिए। और इस दिन ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करें। किसका? एक ललिता सहस्त्र नाम आता है, आप सर्च कर सकते हैं गूगल पर भी और कोई भी अपने बुक स्टोर पर किताब मिल जाएगी। ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करें और अविवाहित कन्या अच्छे वर की प्राप्ति होगी। तो कहने का मतलब वृषभ राशि वाले जो भी हैं अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए नवरात्रि में माँ महागौरी की उपासना करें और ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करें आप। फिर अपन चलते हैं मिथुन राशि पर। मिथुन राशि के लोगों को क्या करना चाहिए, कौन से देवी की साधना करनी चाहिए, कौन से देवी का मंत्र जाप करना चाहिए? तो इस राशि के लोगों को माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करना बेहद ही फलदायक होगा। कहने का मतलब जो माँ ब्रह्मचारिणी, जो माँ नवदुर्गा का स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी, उसकी उपासना करें वो आपके लिए बेहद ही फलदायक है। और इस राशि के लोगों को रोजाना तारा कवच का पाठ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? एक तारा कवच आता है, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं तारा कवच, उसका देखें और उसका पाठ करें। ऐसा करने से उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बहुत ही जल्द होगी और मिथुन राशि वालों की मनोकामना भी बहुत ही जल्द पूर्ण होगी। फिर अपन चलते हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। तो इस राशि के लोगों को माँ शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए। किसकी करनी चाहिए? माँ शैलपुत्री की पूजा उपासना करनी चाहिए। और कर्क राशि के लोगों को लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। किसका पाठ करना चाहिए? लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ करें और ऐसा करके जातक के मन में किसी तरह का कोई भी भय नहीं रहता है और मनोकामना पूर्ण होती है। तो ये कर्क राशि वालों के लिए मैंने बताया है, जो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यदि आपको लगता है कि पंडित जी थोड़ा सा जल्दी बोल रहे, मैं एक बार आपको वापस बोल देता हूँ कि कर्क राशि वाले लोगों को माँ शैलपुत्री की पूजा उपासना करें, उनको भोग लगाए, नैवेद्य लगाएं, प्रसाद चढ़ाएं और माँ लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ करें। और ऐसा करने से जातक के मन में किसी भी तरह का कोई भी भय भी नहीं रहेगा और मनोकामना भी पूर्ण होगी। फिर उसके बाद आते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के लोगों को माँ कुष्मांडा की साधना करनी चाहिए।
माँ कुष्मांडा की साधना करनी चाहिए। जीवन में सफलता पाने के लिए दुर्गा मंत्रों को कम से कम 5 माला का जाप करें। दुर्गा मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का है 5 मालाएं हैं, नित्य प्रति आप जाप करें सिंह राशि वालों के लिए। और माँ कुष्मांडा की साधना करें जीवन में सफलता पाने के लिए, ताकि आपकी मनोकामना भी बहुत ही जल्द पूर्ण होगी। कन्या राशि के लोगों को, इस राशि के लोगों को माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करनी चाहिए। किसकी उपासना करनी चाहिए? माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करनी चाहिए। माता के विद्या, माता विद्या से जुड़ी सभी परेशानियां दूर करके विद्यार्थियों को सफलता प्रदान करती है। और इस राशि के लोगों को लक्ष्मी मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करें कन्या राशि वालों के लिए। क्या करना है कन्या राशि वालों के लिए है कि नवरात्रि के अंदर माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करें, माँ ब्रह्मचारिणी की साधना करें, माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करें और लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। फिर अपन चलते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए क्या करना चाहिए? तो तुला, इस राशि के लोगों को देवी महागौरी की उपासना करनी चाहिए। और तुला राशि के जातकों को महाकाली चालीसा और सप्तशती प्रथम चरित्र का पाठ करना चाहिए। और कुमारी कन्याओं को इस दिन माँ की आराधना करने से उत्तम वर की प्राप्ति होती है। एक बार मैं वापस बता रहा हूँ आपको, तुला राशि वालों के लिए, इस राशि के लोगों को देवी महागौरी की उपासना करें, महागौरी की साधना करें। और तुला राशि के जातकों को माँ काली चालीसा का पाठ करें, जो चालीसा होते हैं उसका पाठ करें, या सप्तशती के प्रथम चरित्र का पाठ करना चाहिए। और कुंवारी कन्याओं को इस दिन माँ की आराधना करने से उत्तम वर की प्राप्ति होती है। फिर अपन चलते हैं वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि क्या कह रही है? वृश्चिक राशि वालों को क्या करना चाहिए? नवरात्रि के अंदर कौन सी माँ की उपासना करनी चाहिए? वृश्चिक राशि के लोगों को स्कंद माता की उपासना करनी चाहिए। क्या करना है? वृश्चिक राशि वालों को माँ स्कंद माता की उपासना करें, और ऐसा करने से उन्हें विशेष फल की प्राप्ति होगी और उनकी जो भी मनोकामना है वो भी बहुत ही जल्द पूर्ण होगी। फिर धनु राशि वालों के, इस राशि के लोगों को माँ चंद्र घंटा की उपासना करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके मन में सारे भय और परेशानियां दूर हो जाएगी। किसकी उपासना करनी है? चंद्र घंटा की उपासना करें और सारे भय और परेशानियां बहुत ही जल्द आपके दूर हो जाएंगे। फिर अपन चलते हैं मकर राशि वालों के लोगों के लिए। इस राशि के जातकों को काल रात्रि की पूजा करनी चाहिए। किसकी पूजा करनी चाहिए? काल रात्रि की पूजा करनी चाहिए। इन लोगों को नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये नवार्ण मंत्र है, इस मंत्र का जाप करें। और ऐसा करने से आपके जीवन में कभी भी किसी भी वस्तु का कोई कमी नहीं आएगी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। फिर अपन चलते हैं कुंभ राशि के लोगों के लिए। कुंभ राशि वालों को क्या करना चाहिए? तो कुंभ राशि के लोगों को महाकाल रात्रि की उपासना करना बेहद ही फलदायक होगा। और इस रात्रि के लोग देवी कवच का भी पाठ करें। किसका? देवी कवच का भी आपको पाठ करना है। माना जाता है कि माँ जीवन में अंधकार और निराशक समय भक्तों को मार्ग आपको है, जो भी है मार्ग आपको नहीं मिल रहा है, माँ आपको रास्ता दिखाएगी, आपको उस रास्ते पर चलना है। कुंभ राशि वाले के लोगों के लिए महाकाल रात्रि की उपासना करना बेहद ही फलदायक होगा। और इस राशि के लोगों को रोजाना देवी कवच का पाठ करना चाहिए। किसका पाठ करना चाहिए? कवच का पाठ करें, जिससे कि आपको पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। फिर अपन चलते हैं मीन राशि के लोगों के लिए। इस राशि के लोगों को माँ चंद्र घंटा की उपासना करनी चाहिए और हल्दी की माला से बंगलामुखी का मंत्र जाप करें। मीन राशि के लोगों के लिए, मीन राशि के जो लोग हैं इनको है माँ चंद्र घंटा की उपासना करें और हल्दी की माला से बंगलामुखी का जाप करें, ताकि आपको पूर्ण रूप से प्रसन्नता हो, आपको अपने कार्य में सफलता मिले, जो भी कार्य आपका रुका हुआ हो वो कार्य आपका पूर्ण हो, और पैसे से संबंधित जो भी दिक्कत है वो भी आपकी बहुत ही जल्द दूर होगी। कहने का मतलब, जो जो मैंने आज आपको उपाय बताए हैं राशि के अनुसार, वो आप यदि राशि के अनुसार यदि आप कोई भी उपाय करते हो तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। और राशि के अनुसार उपाय करने से जल्द रिजल्ट मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अपनी जो भी परेशानी होती है वो जल्द से जल्द दूर होने की संभावना बढ़ जाती है। और माँ का आशीर्वाद भी अपने को पूर्ण रूप से मिलता है। और अपने को पता चलता है कि राशि के अनुसार कौन सी देवी की उपासना करनी चाहिए, कौन सी देवी की आपको साधना करनी चाहिए। तो इस देवी की साधना, देवी नौ
नौ देवियां, नौ देवियों में से राशि के अनुसार अपने को कौन सी देवी की साधना करनी है। तो आज मैंने जो आपको ये वीडियो बनाए हैं राशि के अनुसार कौन सी देवी की साधना करनी चाहिए और क्या करना चाहिए, तो ये वीडियो आप पूरा देखें और लास्ट तक देखें और अंत तक देखें ताकि आपको मनोकामना भी पूर्ण हो, आपके घर में बच्चे वगैरह हो, छोटे बच्चे, उनके ऊपर भी माँ की कृपा बनी रहे, आपके घर को किसी की भी नज़र न लगे और आप सदा खुशहाल रहे। तो आज मैं आपको इसी के साथ ही मैं मेरी वाणी को विश्राम दूंगा, आपको आशीर्वाद प्रदान करता हूँ और मेरे सभी शिष्य खुश रहे, और इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।